अनानास को अगर आप बिना नमक से खा रहे हैं तो कैसा रहेगा? एक कप अनानास के रस से कितना कैलोरी प्राप्त होता है? जहाज चलता है उसमें उसका जो वाइपर होता है कैसा लगता है, यानी कि कैसा दिखने में लगता है चलने में? वीडियो का अंत तक बन रहे सारे आपको आंसर मिलेगा। उसको नीमक के द्वारा क्यों खाता है? बिना नीमक के अगर खा रहे तो आपको क्या घाटा है, और उसको बिना नीमक के खाने से आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अगर आप बिना नीमक के खा रहे अनानास को तो वहाँ खट्टा लगेगा, यानी कि खट्टास का अधिक मात्रा में लगेगा, जो कि आपको खाने का मुश्किल करेगा, यानी कि खाने को रोकेगा। लेकिन अगर आप नीमक के मात्रा में खा रहे हैं तो आपको मीठ भी अधिक मात्रा में लगेगा और अच्छा भी स्वादिष्ट लगता है। इसी के कारण जो अनानास है वह नीमक के साथ खाया जाता है। बिना नीमक के खाने पर आपको दिक्कत हो, आप एक कप जो अनानास होता है उसका रस ले रहे हैं, अगर रस प्रतिदिन एक कप पी रहे हैं अनारस का, तो उससे आपको कितना एनर्जी मिलेगी, यानी कि कैलोरी जो होता है कितना आपको प्राप्त होगा? लगभग जो कैलोरी होगा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। जितना आप एक कप चाय नहीं पीते उससे अधिक मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आपको शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। वह 70 से लेकर 85 कैलोरी आपका प्राप्त हो जाएगा मात्र एक कप अनानास का जो जूस होता है उसको पीने से। ऐसा ही होता है, वह एक पेड़ से अनानास कितने अनानास को उगाया जा सकता है? आप लोग कहेंगे कि 1, 2, 3 ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक अनानास के पेड़ से जो अनानास उगाया जाता है वह मात्र एक, यानी कि लगभग एक अनानास से और अधिक अगर आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मक्का होता है उस प्रकार से उगा रहे, तो आपका यह बात सोचने का प्रक्रिया गलत है, क्योंकि एक अनानास के पेड़ से मात्र एक ही अनानास उगाया जा सकता है, उससे अधिक मात्रा में नहीं उगा सकते। लेकिन आकाश में चलता है तो आप लोग सोचते होंगे कि उसका जो वाइपर है वह वाइपर चलता है कि नहीं चलता है? जी हाँ, अगर नीचे चलता है तो उसका वाइपर चलता है कि नहीं चलता है? आप लोग कहेंगे हमेशा वाइपर चलता रहता होगा, लेकिन जो प्लेन का वाइपर होता है वह प्लेन जब उड़ रहा है उसमें उसका वाइपर जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी कि बीच में जाकर रुक जाता है, और वह जब नीचा होता है उसका वाइपर चलता है, यानी कि बारिश के समय, और नीचा जो होता है उसका कम स्पीड होता है, और आकाश में जाने के बाद बहुत अधिक स्पीड होने के कारण उसका वाइपर काम करना ही बंद कर देता है। यानी कि जो बनाना केला जो उगाया जाता है आजकल, लेकिन उसका जो उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ उत्पत्ति हुआ? आप लोग कहेंगे भारत देश या श्रीलंका में, क्योंकि रावण ने बोला था कि केला पहले हम उगाते हैं और हमारे यहाँ अधिक है, लेकिन अधिक केला होने के कारण क्या यहाँ पर निश्चित है कि वहां पर ही पहले उगाया गया? लेकिन नहीं, जो कि सबसे पहले मलेशिया में उगाया गया था वह 3000 ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में केला का उत्पत्ति वहां पहली बार मलेशिया में। फल है जोन की फ्रूट क्योंकि जिसका सबसे अधिक रंग होता है, यानी कि जैसे पीला हो गया केला, काला और इसी प्रकार हरा खीरा हो गया, इसी प्रकार से कौन सा फल है जो कि सबसे अधिक रंग वाला फल कहा जाता है? आप नाम उसका जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, वो ग्राप्स, ग्राप्स यानी कि अंगूर है, वह अंगूर सबसे अधिक रंग में, जैसे कि आप लोग देखते होंगे काला अंगूर, पीला देखते होंगे, हरा देखते होंगे और ब्लू टाइप का भी देखते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में जो अंगूर। कौन सा पेड़ है जो कि सबसे अभी तक पुराना उसको रिकॉर्ड किया गया है? क्योंकि पुराने जमाने से पेड़ अभी तक आ रहा है, लेकिन कितने दिन से आ रहा है, वह कहाँ पर है, आप जानकर चौंक जाएंगे। जैसे कि कोई पेड़ होता है बरगद का पेड़ हुआ सबसे पुराना कहा जाता है, जो पीपल का पेड़ हुआ उसको पुराना कहा जाता है, लेकिन उन सब में से भी अधिक दिनों तक पुराना फल फल है। फल वहाँ कौन सा फल है? आम। आम का जो फल है, आम का पेड़, वह सबसे पुराना उसे कहा गया, 300 वर्ष तक उसे रिकॉर्ड किया गया है। एक आम का पेड़ जो कि अभी तक जीवित है वहाँ कहाँ पर है? 400। कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि पानी पीने से किसी व्यक्ति को नशा धरता है? आप लोग कहेंगे यह बात जो है फैक्ट यानी कि गलत है, पानी पीने से किसी भी व्यक्ति को नशा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको लगता है कि नींद मुझे आ रहा है ज्यादा खाना खाने से। उसी प्रकार आप अगर अधिक मात्रा यानी कि अपने डोज के हिसाब से अधिक अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको ब्रेंड में जाने पानी अधिक मात्रा में जाने पर आपको नशा का प्रयोग होने यानी कि नशा लगने लगता है। देश है उस फ्रांस देश का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, यानी कि उसका जो फ्रांस नाम पड़ा कैसे पड़ा? कोई भी जगह का जो नाम होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है, लेकिन आपको क्या पता है कि फ्रांस जगह उसका क्या रीजन है, यानी कि उसका नाम कैसे पड़ा? आप जानकर चौंक जाएंगे। लैटिन शब्द से फ्रांसिया, यानी कि लैटिन शब्द फ्रांसिया से फ्रांस का शुरुआत हुआ है, जहाँ का अर्थ होता है कि फ्रैक, फ्रैक की जमीन, यहाँ उन समाजों को कहा जाता है समाज में फ्रैक की जमीन जिसे फ्रांस कहा जाता है। ये जो मात्र 20 मिनट के लिए राजा था, आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड 20 मिनट के लिए कौन राजा? जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 20 मिनट के लिए राजा बना। जो कोई भी व्यक्ति अगर राजा बनता है तो वह कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बनता है, कुछ महीनों के लिए, लेकिन वह 20 वर्ष यानी कि 20 मिनट के लिए राजा बना, जिनका नाम आप सुनकर चौंक जाएंगे, लुइस 1110, यानी कि उसका नाम है अजीब, लुइस 1110 विदेशी राजा है जो मात्र 10 यानी कि 20 मिनट के लिए राजा बना हुआ था। ओ माय गॉड, त्रिकोणमितीय
अल्फाबेट अल्फाबेटिकल इन सब का जो प्रयोग किया जाता है वह कहाँ का सबसे पहले देश यानी किस देश का जो निर्माता है जो कि इन शब्दों को उपयोग किए हैं पहली बार सबसे पहले प्रथम उत्पत्ति यहीं से हुआ है यहीं होनेगा। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में त्रिकोणमिति बीजगणित कलन और ज्यामिति और फलन इन प्रकार के टाल बहुत सारे जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का उत्पत्ति हुआ। ऐसा है वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।